शांति। आज की तारीख है 20/5/16 और ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत की जो नॉलेज मिली है इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसीलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है आज का, रूह को यानी आत्मा को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? हाँ, सर्जन है ना वो, तो वो हमें कौन सा इंजेक्शन देते हैं जिससे हमें बाप की याद रहे? उत्तर है मन मना भव का। ये इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई भी लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो। हाँ, दुनिया में कोई भी देहधारी ये नहीं कह सकता कि सबको भूल के मुझे याद करो। बस याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी, इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, कईयों को ऐसे लगता है कि हमें यदि गीता सिद्ध करनी है तो हमें संस्कृत जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान ही हमें हिंदी में अपने गीत सुनाता है, अर्थात ज्ञान सुनाता है। वह उसमें कोई संस्कृत की तो बात होती नहीं, संस्कृत भाषा में तो बाबा ने ज्ञान दिया भी नहीं। अतः भगवान उवाच ऐसे करते हुए जो गीता में ज्ञान दिया हुआ है संस्कृत भाषा में, हम उनके अर्थ को यदि बराबर समझें और जीवन में उतारें तो यही हमारे लिए बस हो जाता है। तो रूह को जब ये निश्चय हो जाता है कि रूहानी बाप हमें पावन बनाने की युक्ति बता रहे हैं तो विकारों को छोड़ते जाते हैं। तो बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों से ज्ञान सुनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें। नंबर एक है, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है उस अमृत को पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं कि विकारों का त्याग करना है। नंबर दो है, बाप जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं तो उनकी हर बात माननी है। अगर हमें लायक बनना है तो जो बाबा कहे वैसा हमें करना है और पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है सतगुरु बाबा का कि पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट माइट हाउस भव। बाप दादा कहते हैं वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अपना अधिकार हो, तब लाइट माइट हाउस बन वरदानी रूप से सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है आज का, संकल्प समय और बोल की इकोनॉमी करो, यानी संकल्प करें कम करें परंतु पावरफुल संकल्प करें, समर्थ संकल्प करें। समय हम अपना व्यर्थ में न गवाएं और बोल हम कम बोलें, थोड़े बोलें, धीरे बोलें, मधुर बोलें और सुखदाई बोलें। तो संकल्प
समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।